उसके पहले हम लोगों ने कर्णी संबंधी प्रश्न को पढ़ा था। वैसे कर्णी प्राथमिक में तो नहीं है, लेकिन अपर प्राथमिक में है, अपर शिक्षा में आगे पढ़ेंगे। देखो था कर्णी को आरोही क्रम या आरोही क्रम में बड़ी कर्णी कर्णी या छोटी कर्णी में लिखना, जैसा कर दे दिया तीन है, ये कर्णी बात कुछ नहीं दिया है, ये है पाँच, ये दो है कर्णी भाग चार है, ये कर्णी भाग तीन है, हाँ। अगर कह दिया कि निम्नलिखित को आरोही या अवरोही क्रम में लिखे, या कह दिया निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी सी, कैसे लिखे? इसको आप तो जानते ही हैं कि आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही कैसे लिखे बताइए, है तरीका क्या? सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें कड़ी घात जितना दिया सबका अलसी लिखा। यहाँ पे देखा हमने कड़ी घात कितनी दिया, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे दिया है तीन, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसका अलसीम लेंगे तो बारह जी बता चुके हैं आपको पहले, आपको जब पहले कड़ी पा रहे तो बता दिए जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ दो मान जाता है, इसका अलसीम आएगा बारह। अब क्या करेंगे, सबकी कड़ी की घात को बारह, क्या करेंगे बारह बनाएंगे। अगर बारह बनाना हो कड़ी घात दो तो कैसे बनाएंगे, कड़ी घात चार है अंदर दो, इसको बारह कैसे किया, चार में अगर तीन का तो बारह हो जाएगा, अंदर घाते दो है तो घाते कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी की घात अंदर बाहर बारह हो जाएगा, अंदर दो घाते तीन करेंगे दो बड़े दो बड़े दो आठ, अब ये कड़ी घात तीन है, कुछ नहीं दिया है, यहाँ दो है, यहाँ करेंगे गुड़े छः, यहाँ छः करेंगे, यहाँ की घात भी जितना गुड़ा करेंगे उतना घात भी छः, तो अभी हो जाएगा कड़ी घात बारह, तीन घाते छः, इसको आगे इधर मिटा दे तो थोड़ा सा ये हो जाता आपका दो गुड़े दो गुड़े दो, फिर कड़ी की घात बारह या आठ, यह हो जाएगा तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन, तीन तरीका नौ तरीक सत्ताईस, सत्ताईस दिया इक्यासी, इक्यासी दिया नहीं इक्यासी दिया तीन दो सौ तिरालीस, दो सौ हो जाएगा दो सौ तिरालीस कड़ी का बारह। अगली कड़ी को तोड़ेंगे, कड़ी में पाँच है या घात तीन है, कितने से गुणा करें बारह हो जाए चार, अंदर की घात चार, ये हो जाएगा कड़ी की घात बारह, पाँच बात चार है, पाँच गुड़े पाँच गुड़े पाँच गुड़े पाँच, पचे पच्चीस, पचे एक सौ पच्चीस, पचे छः सौ पच्चीस, कड़ी घात बारह हाँ, तो पाँच गुड़े पाँच गुड़े पाँच गुड़े पाँच करेंगे, फिर आएगा कड़ी की घात यहाँ पर आठ है, यहाँ दो है, गुणा कितना करेंगे छः से, यहाँ पर घात हो जाएगा जितने से गुणा करेंगे उतना कड़ी अंदर के घात कड़ी हो जाएगा, कड़ी घात बारह आठ गुड़े आठ गुड़े आठ गुड़े आठ गुड़े आठ, तो पूरा बढ़ते क्रम में है, तो आठ अट्ठे चौंसठ अट्ठे पाँच सौ बारह, जरा गुणा करके बताइए कितना आएगा, पाँच सौ बारह दो सौ बासठ, अब यदि कड़ी घात बारह होगी अब इसे आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी कड़ी बड़ी है कौन सी छोटी, सबसे बड़ा मानिए ये सबसे बड़ी मानेगी, और एक तरह से ये आरोही क्रम में है, ये पूरी तरह से आरोही क्रम में है। इसको कैसे मैंने सॉल्व किया, सबसे पहले हम देखेंगे, पहले जो कड़ी की घात है, कड़ी घात कुछ नहीं लिया जहाँ पे वहाँ दो मानते हैं, कड़ी घात का हमें एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा कड़ी घात का चार दो तीन दो बारह होगा, एलसीएम कितना प्राप्त होगा बारह, तो बारह करने के लिए सभी कड़ी घात को बारह करना है, तो यहाँ पे चार है तीन से गुणा किया अंदर भी घाते
यहाँ पे 12, यहाँ पे करी घात 2 है, 2 गुणे 6 करी घात 6। ठीक, जितना करी घात में गुणा करेंगे 12 करने के लिए, उतना अंदर के जो है उस पे उतने का स्क्वायर। इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर आगे हम इसको आगे पुनः एक बार और समझा। छोटी गलती हो गई थी, मैंने 5 बार लिखा था, फिर 6 बार होगा, क्योंकि 3 घात के करीब 6 था, कि करीब 3 है, यहाँ पे 2 है, 12 करने के गुणे 6 करेंगे घात 6, तो हमने 5 बार लिखा था, एक बार 3 और होगा, 3 × 3 × 3 9 × 27 83 × 243 × 729। अब ये इसी को आरोही और अवरोही क्रम में आप निरूपित करें। तो समझ आगे कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बहुत ज़्यादा भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस में यही समझना है। सबसे पहले मैं कर्णी घात का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के बाद सभी कर्णी घात को बराबर कर देना है। जब कर्णी की घात बराबर कर देंगे तो जितनी में गुणा करने के बाद कर्णी घात होगा उतना अंदर दिए गए मान का लिख देंगे। जैसे यहाँ पे दिया था 4, 12 करने के लिए गुणा 3 करना पड़ता, अंदर घाते 3 करने के, 2 घाते 3 का मान आ गया। फिर यहाँ दो है, 6 से गुणा करेंगे तो 3 घाते 6 लिख देंगे। यहाँ पे 5, यहाँ पे कर्णी घात 12 करने के लिए 9 × 4 5 घाते 8, यहाँ कर्णी घात 2 है, 12 करने के लिए 6 से गुणा करते, अंदर 8 घाते 6, फिर मान निकाले रख देंगे। फिर आरोही अवरोही क्रम जो भी क्रम आप लिखना चाहे आप आसानी से ले सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन दे, समझ आ गया आप लोग को नहीं है? निम्नलिखित को आरोही क्रम में, कड़ी घात 4 है, अंदर कड़ी में 6, कड़ी घात 6 है, कड़ी में 5, कड़ी घात 2 है, कड़ी घात 4 है, अंदर इसको सॉल्व करिए। आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में आप लिखिए, क्योंकि आपको ये पकड़ना आ जाएगा, बस उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि कड़ी की घात 4 है, कड़ी घात 6 है, कड़ी घात 2 है, कड़ी घात, पुनः क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, 6, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। कितना प्राप्त होगा एलसीएम, 12 प्राप्त होगा। हाँ, तो 12 एलसीएम होगा, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। अब जैसे कड़ी घात 4 इसमें, इसको 12 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें गुणा करें 12 हो जाए, 3 क्या होगा एलसीएम। यहाँ 6 की घात क्या होगी, कितने गुणा करेंगे, कड़ी घात 12, 6 × 6 × 6 कड़ी घात 12, 200। ठीक, ये नीचे वाला करेंगे, 6 × कितना करेंगे, 2, 12 घात 2 का मतलब 25, फिर कड़ी घात 2 कितने गुणा करेंगे, 6 से, अंदर क्या हो जाएगा, 2 घाते 6, कड़ी घात 12, 2 हो जाएगा 64, कड़ी घात, फिर लास्ट में 8, कड़ी घात 4 गुणे कितना करेंगे, 3 घाते, कड़ी घात 12 216 है, ये 25 है, ये 64 है, ये 500। अब आप आसानी बता सकते हैं, सबसे बड़ा पूछेगा ये मानिए लास्ट वाला, सबसे छोटा ये मतलब ये मानिए, अगर आरोही क्रम में बढ़ेंगे सबसे छोटा उससे बड़ा, मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे,
काल पे, यह है आपका आरोही क्रम। ठीक, आरोही इसका ठीक विपरीत, ठीक समझाया। इसके बाद एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के देते हैं, बस इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आते। और यस की वैल्यू अगर निकालना हो तो उस तरह जो क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पढ़ने से मतलब नहीं दिखते ज़्यादा, क्योंकि आगे आपको टेट और सर्टिफिकेट में पढ़ने हैं, तो बस इसके लिए इतना ही पढ़ लेते हैं। इसके बाद नया अध्याय में शुरू करेंगे। औसत शुरू किया देगा, औसत आपने नहीं शुरू होने में, चलिए। तो इसके बाद एक अध्याय छोटा सा बचेगा, इसका नाम है औसत। औसत पढ़ने के बाद फिर परसेंटेज पढ़ लेंगे, उसके बाद अध्याय खत्म हो जाएगा। और जैसे अध्याय खत्म होगा फिर लोग नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, और तब आप लोग इंतजार करें, ज़्यादा देर का नहीं, जल्दी फिर आप लोग से फिर मुलाकात होगी। इस अध्याय में कुछ क्वेश्चन और है जो करवा दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन होमवर्क ये दे दे रहे हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। बस दो प्रश्न बहुत है, आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपके समझ आ गया होगा। ठीक, ठीक, दो प्रश्न बहुत है। इसके बाद बस ये है, इसके बाद ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये अध्याय हम लोग खत्म करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि 40 मिनट क्लास 10 मिनट कैसे, कि क्वेश्चन देने के बाद जब सॉल्व होता है उस समय समय आपका पुश कर दिया जाता है, इसलिए आपको लगता होगा कि एक अध्याय करने के लिए खत्म हो गया, समय कब किसी को कुछ नहीं करना है, सबका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जितना, जैसे इसका एलसीएम अगर 15 है, 15 है, 15 गुणे या 15 अगर 3 गुणे 5 करें तो 5, यहाँ 15 है 3 से गुणा करना होगा, 6 घात 3, यहाँ 5 या 15 करना है 15 घात 3, ठीक। इसी तरह करेंगे, आसान सबका लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बता दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।